बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियांग्स मोम व्लॉग्स में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी इंफॉर्मेटिव है और ख़ासकर मेरी उन बहनों के लिए जिसको मेरी तरह पहले नहीं पता था अबाउट यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में। तो इनिशियली जब आप नया अपना चैनल स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए नई होती हैं और हर रोज़ आपको एक नई चीज़ पता चल रही होती है। और अभी हमारा मेन इशू ये है कि जब हम अपनी वीडियो में कोई भी ऑडियो डालते हैं तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो कॉपीराइट जब तक चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होता उसका तो एज सच इशू नहीं होता कि अगर कुछ दिनों के लिए जो है आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाए, लेकिन जब मोनेटाइज हो जाए तो फिर कॉपीराइट का प्रॉब्लम इस तरह होता है कि आपको या तो रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है, जो कॉपीराइट जो क्लेम कर रहा होता है ऑनर होता है उस म्यूज़िक का, या फिर ये आपको उस वीडियो से वो हटाना पड़ता है। तो बेस्ट थिंग ये है कि आप जो है वो अपने जो चैनल है सॉरी जो चैनल पे जो भी आप वीडियो डाल रहे हैं उस पर अगर आपने कोई ऑडियो लगानी है तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लें। और उसका तरीका जो है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप चाहे अपने मोबाइल से ऐप खोलें गूगल क्रोम की, ठीक है, और गूगल क्रोम में जाके जो है वो ऊपर आप टाइप करेंगे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। क्योंकि मैंने पहले टाइप किया हुआ था तो ये जिस ऑप्शन आ गई ये खोला, ठीक है। उसके बाद फिर आप ऑडियो लाइब्रेरी में जाएंगे, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, और फिर कुछ इस तरह से ये जो है आपका अकाउंट ऑलरेडी अगर मोबाइल में ओपन है तो ये खुल जाएगा। और तो ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो ये ऑप्शन है देखें यूट्यूब लाइब्रेरी, ठीक है, सॉरी ऑडियो लाइब्रेरी। तो इसमें ये सारी जो म्यूज़िक है जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं ये वो है। और ये डाउनलोड की ऑप्शन है, ये वन बाय वन आप प्ले कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे आप उसको डाउनलोड कर लें। अच्छा, इसमें डिफरेंट ऑप्शन भी है कि डिफरेंट मूड्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट ओकेजन के अकॉर्डिंग जो है, इफ़ यू आर इन हैप्पी मूड और सैड आपने को डालना है। और फिर ये इंस्ट्रूमेंट की म्यूज़िक भी है और इसमें ये ड्यूरेशन भी है कि किस ड्यूरेशन तक का आपको जो है वो म्यूज़िक चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन जो है वो शो हो जाएगा। तो फिर अकॉर्डिंगली जो भी आपको चाहिए आप उसको प्ले करें, सुने, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है वो चेक करें कि कौन सा थोड़ा मतलब मेरे लिए बेहतर है, तो वो जो है प्ले करके आप उसको देख लें, जो आपको अच्छा लगे आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग जाता हो तो वो आप उसको इस तरह से पहले प्ले करें और फिर उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो ये म्यूज़िक कुछ इस तरह से है, मैंने एक दो जो है वो प्ले की हैं ताकि आपकी नॉलेज के लिए कि किस तरह से इसको जो है आगे प्रोसीड करना है। ये जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। इनिशियली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी है कॉपीराइट फ्री जिसमें म्यूज़िक होता है वो किस तरह से और कहाँ जाके ओपन किया जाए, कैसे डाउनलोड किया जाए। तो फिर जब मैंने खुद ही सर्च किया और मुझे पता चला तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एक वीडियो बनाई जाए, जो पहले मेरी तरह है जिनको इतना नहीं आइडिया तो उनके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। ये अगर लेट सपोज़ कि ये आप अच्छी लगी है और ये सिलेक्ट कर ली है तो आप आगे जाके इसका डाउनलोड का ऑप्शन होता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट मूड्स हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सॉन्ग्स की वीडियो हैं, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको चाहिए होती है आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बड़ी हेल्पफुल है। और इसमें यह है कि आफ्टर मोनेटाइजेशन से पहले भी अब तो अगर आप प्रॉपर कॉपीराइट फ्री यूज़ करेंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आफ्टर मोनेटाइजेशन जो है ये इन वीडियोस पे जिन पे कॉपीराइट क्लेम वाला म्यूज़िक लगा होता है वो भी प्रॉब्लम करता है। तो
ये आप देख लें इस तरह से इसको प्ले करेंगे, फिर जो है वो डाउनलोड करेंगे। आई होप ये जो मेरी एक छोटी सी वीडियो है, एक छोटी सी कोशिश है आपके साथ शेयर करने की, आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो ये देखें डाउनलोड फाइल हो गई है, अब मैं इसको किसी भी अपनी वीडियो में यूज़ कर सकती हूँ। तो आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक जो है वो यूट्यूब की ऑडियो गैलरी से या ऑडियो लाइब्रेरी जिसको कहते हैं उससे आप यूज़ करें। अच्छा, ये एक ऑप्शन थी कि म्यूज़िक पॉलिसीज़ क्या है, इसमें ये है कि जो ये म्यूज़िक मेंशन म्यूज़िक के नीचे लिस्टेड इनमें जो है वो कॉपीराइट है ऑनर।